यहाँ पे इसकी लिंक देखो। अरे भाई, मैंने पहले बोला था इसकी शो है ना भाई, पूरी लोहे के अंदर पूरा। आज की जो शो है ना, ट्रैक्टर चेक करना, बिल्कुल पतली लेयर होगी, लेकिन इसमें ना पूरी हैवी। ब्रेक का सिस्टम देखो भाई इसका, ये देखो। और इसका ऐसे बटन दबाने पे ऊपर उठती है ये भाई, 1970 में भी कंपनी ने दे दिए थे। तो राम राम सारे भैया ने, तो स्वागत है भाई आज की एक और अलग वीडियो में। तो भाई आज आप जो पीछे ट्रैक्टर देख रहे हैं ना, मेड इन कनाडा का है भाई, ये 1970 मॉडल ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की वीडियो शुरू करने से पहले भाई मैं आपको एक पहले ही बता देता हूँ, ये ट्रैक्टर है ना सेल परचेज के लिए नहीं है, बहुत से भाई कमेंट करेंगे। और दूसरी बात ये, जिस भाई के पास ऐसे कोई पुराना ट्रैक्टर किसी के पास हो, तो भाई वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी HR वाली उस पर मैसेज कर दें या फोटो डाल दें, ताकि आप उनकी वीडियो शूट करें। अभी आप शुरू करते हैं इस ट्रैक्टर की वीडियो भाई। तो भाई पहले ट्रैक्टर देखो कितना हैवी और ज़बरदस्त इस तरीके से इस ट्रैक्टर को बनाया गया है। ये देखो भाई राजू भाई, पहले अच्छे से दिखा दो चारों तरफ से ट्रैक्टर को, फिर आप ट्रैक्टर करते हैं वीडियो शुरुआत। ये देखो भाई, अब आप बात करते हैं ये ट्रैक्टर के इंजन की। तो ये भाई 4 सिलेंडर इंजन है, जो आज के ट्रैक्टर आते हैं 4 सिलेंडर में, लेकिन 1970 में ना ये 4 सिलेंडर इंजन आने शुरू हो गए थे। और ये देखो भाई इसका इंजन वगैरह आप देख सकते हो, काफ़ी हैवी है। और यहाँ से देखो भाई, ये देखो भाई, मैंने पहले बोला था इसकी शो है ना भाई, पूरी लोहे के अंदर पूरा। आज की जो शो है ना, आप ट्रैक्टर चेक करना, बिल्कुल पतली लेयर होगी, लेकिन इसमें ना पूरी हैवी है। ये आ गया भाई इसका फ्यूल टैंक ऊपर की तरफ, यहाँ पे फ्यूल टैंक आ गया। ये देखो भाई साइलेंसर 1970 मॉडल में ही है। और ये है आगे देखो भाई, आप बात करते हैं, ये देखो भाई पहले आगे की जालियाँ देखो भाई, कितना प्यारा लग रहा है। और एक सिस्टम हो रहा है भाई इसका, इसकी शो खोलने के लिए ना भाई, ये देखो आगे से आप ऐसे करेंगे ना, जो आज के ट्रैक्टर में यार ऐसे बटन दबाने पे ऊपर उठती है, ये भाई 1970 में भी कंपनी ने दे दिए थे इसके अंदर। और अब बात करते हैं इसके आगे के एक्सल की। ये देखो भाई काफ़ी हैवी इसका एक्सल आगे का दिया गया है, ये देखो भाई फुल हैवी है। ये इसके टायर देख लो भाई, ये टायर तो आज के ज़माने के टायर से लग रहे हैं, ऐसे टायर तो अपने ट्रैक्टर में आते हैं। और ये आगे इसकी स्लब वगैरह देख सकते हो। अब आ जाओ भाई पीछे, ब्रेक का सिस्टम देखो भाई इसका, ये देखो। और इसकी क्लच है ना भाई, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। पहले इसका ना गियर देख लो आप, 3 गियर लगते हैं इसमें, ब्रेक्स में 4 हो गए। ये भाई सीट आ गई है, ठीक है इस तरह की। और अभी आप चलते हैं, ये देखो भाई इसका ही जो ये पीछे का है ना रिम देखो भाई, ये मतलब टूटेगा नहीं, बिल्कुल हैवी है। इसमें भी 1 2 3 अगर मिस्त्री से खोलेगा ना भाई, तो बार बार ऐसे ऐसे ही करता रहेगा, काफ़ी हैवी दे रखा है। अब भाई मेन चीज़ आओ यहाँ पे, इसकी लिंक देखो। अरे भाई, जिम करना हो ना भाई, तो यहाँ पे कर ले रोज बंदा, ऐसे फुल हैवी है। मेरे हिसाब से क्विंटल की होगी भाई, होगी ना राजू भाई इतनी। बाकी ये देखो, ये इसका जो इसका पीछे का हिस्सा है ना भाई, ये देखो 2 ट्यूबों के अंदर है, ये देख सकते हो अलग अलग, ये एक डिवाइड किया गया अलग अलग तरीके से। और क्या बात है, ये तो अब का लगा होगा मेरे हिसाब से ना, ये तो नहीं आया होगा। अब आप चलते हैं इसके आगे, बताता हूँ आपको इसकी कल्च भाई। यहाँ देखें तो कल्च ही नहीं है भाई, इसकी गाय भी हो गई बिना कल्च का ऑटोमेटिक। ये देखो भाई कल्च यहाँ पे दे रखी है इसकी, बंदा बैठ के लात से मारेगा इसको, ये ले ये ले, ये हाथ से ही लगा देगा। तो ये है भाई ट्रैक्टर। और दूसरा भाई अपना एक और दिखाते हैं आपको, आइसर जो कमानी वाला ट्रैक्टर है ना, वो है ये देख लो भाई। कमानी वाला नहीं है भाई यार, आगे से देखने तो कमाने वाला जैसे लग रहा है यार। तो इसके टायर देखो, हाँ होगा अंग्रेजों ने तैयार किया होगा, बाद में अपने इंडिया वालों ने इसमें थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि वो इससे तो इसी चीज से पता चल रहा है। अबे रिंकू भाई, हाँ भाई क्या है ये भाई, इसकी सलब है। सलब देखो भाई, सच में यार जबरदस्त काम करा है। सलब देखो कितनी हैवी दे रखी है इसके अंदर, क्या बात है यार। और आई सर वैसे ये ना एक सिलेंडर ट्रैक्टर है, काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है। ये देखो फ्यूल टैंक दिखाओ भाई इसका, ये नए जमाने का है छोटा सा, ये मेरे हिसाब से जो इंजन नहीं आते हैं आज के अपन उस पर लगा होते हैं। तो ये देख लो भाई आइसर ट्रैक्टर को आप। तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम में मेरे को ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक सभी भाइयों को राम राम।